बरसात के मौसम में भारी बारिश ने प्रदेश भर में भारी तबाही मचाई हुई है। प्रदेश में कई क्षेत्रों में भारी बारिश होने के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है। वहीं इसी सप्ताह हुई भारी बारिश के कारण ग्राम पंचायत बाड़ी गुमानू समेत लगभग 12 पंचायतों को जोड़ने वाली सड़क भूस्खलन के कारण बाधित हो चुकी है, लेकिन विभाग द्वारा अभी तक सिर्फ पैदल चलने योग्य ही मार्ग खोला गया है। वहीं ग्राम पंचायत बाड़ी गुमानू के प्रधान लाभ सिंह ने प्रशासन से मांग की है कि इस सड़क मार्ग को जल्द से जल्द खुलवाया जाए ताकि ग्रामीणों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। मैं एज ए प्रधान ग्राम पंचायत बाड़ी गुमानू आज 13 तारीख को जो भारी मूसलाधार बारिश हुई, गणपति कून का तर रोड में जो जितना नुकसान हुआ, इसमें लगभग 12-13 पंचायतें आती है। ग्राम पंचायत बाड़ी गुमानू, ग्राम पंचायत तरनो, ग्राम पंचायत सदो, ग्राम पंचायत किसान, ग्राम पंचायत सैगड़ू, ग्राम पंचायत कोटली, ग्राम पंचायत बरगांव, ग्राम पंचायत डोहान, ग्राम पंचायत कून का कोट। हम इतनी पंचायतों के हजारों लोग आज 4 दिन से इतने यहाँ बेदर्दी से हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, परंतु ये तो ना तो शासन का ही कसूर है, ना प्रशासन का कसूर है, ना तो पंचायत प्रतिनिधियों का कसूर है, ना ही जनता का कसूर है। ये एक प्राकृतिक आपदा है जिसको बोलते हैं कुदरत की देन। ये कुदरत की देन है, परंतु इस कुदरत की देन के लिए हम सबको मिलकर एकजुट होकर इस कठिन कठिनाइयों का सामना करने के लिए और ग्राम पंचायत बाड़ी गुमानू और 12-13 पंचायतें और मिलती है उनके हजारों लोगों की सुविधा के लिए हमें एकजुट होकर इसमें कार्य करना चाहते हैं। हम प्रशासन, जिला प्रशासन से ही मांग करते हैं, शासन से ही मांग करते हैं, पीडब्ल्यूडी विभाग से ही मांग करते हैं कि ये जो आपने छोटी छोटी मशीनें यहाँ लगाई हुई है इनको छोड़कर चेन वाली LNT बड़ी मशीनें मंगाकर, क्योंकि इतने बड़े बड़े पत्थर तो यहाँ आप देख रहे हैं, वो इन मशीनों को हटाने का काम नहीं है। आज 4 दिन हो गए, 13 से लेके आज 17 तारीख, 4 दिन हो गए, परंतु लोगों को आज COVID-19 चला हुआ है, इतने भारी केस मंडी में आए हुए कोरोना के, परंतु लोग बेचारे 2 किलो दूध बेचने के लिए भी मजबूर होकर पैदल यहाँ से 2.5-3 किलोमीटर हमें नीचे से ऊपर जाकर, ऊपर से नीचे चढ़कर जो है सफर तय करना पड़ता है। इसलिए मैं ज्यादा ना कहता हुआ प्रशासन से ही मांग करता हूँ, शासन से ही मांग करता हूँ, PWD विभाग से ही मांग करता हूँ कि तुरंत आज ही बड़ी मशीन मंगा करके इस मलबे को हटाया जाए ताकि हजारों की संख्या में जिनकी आवाजाही सड़क पर है उनको सुविधा का लाभ मिल सके, ताकि कठिनाइयों का सामना ना करना।